सब्सक्राइब कीजिए एआई टेक्निकल चैनल को और फिर बेल आइकन दबाइए टेक्निकल टर्म्स आसानी से समझने के लिए। स्मार्ट सिटी एक ऐसा वर्ड है जिसे हम पिछले कुछ सालों में सुनते आ रहे हैं, और मेरा यह मानना है कि आप लोगों ने भी स्मार्ट सिटी के बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। पर यह स्मार्ट सिटी आखिर चीज़ क्या है? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, हमें स्मार्ट सिटी की ज़रूरत क्यों है और स्मार्ट सिटी कैसे काम करता है। हाय गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। स्मार्ट सिटी एक ऐसा सिटी है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके सिटीजन्स को कनेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी लिविंग बेहतर बनाते हैं। IoT सेंसर्स, वीडियो कैमरास, सोशल मीडिया और कुछ अदर इनपुट्स एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर और सिटीजन्स को कॉन्स्टेंट फीडबैक देते रहते हैं, जिससे वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। स्मार्ट सिटी IoT के पावरफुल एप्लीकेशंस में से एक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी की ज़रूरत हमें क्यों है? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक दुनिया की 65% आबादी शहरों में रहने लगेंगी। जिस हिसाब से शहर की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ड्रेनेज सिस्टम आएगा। ये सब चीज़ें उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही जिस प्रोपोर्शन में आबादी बढ़ रही है, और वक्त के साथ ये और बुरा होता जाएगा। दुनिया भर की म्यूनसिपैलिटीज़ इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इससे लड़ने के लिए IoT का सपोर्ट ले रही हैं, IoT को यूज़ कर रही हैं। स्मार्ट सिटी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? स्मार्ट सिटी एक इफ़िशियंट वाटर सप्लाई सिस्टम देते हैं। इसके लिए स्मार्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट मीटर वाटर में किसी तरह का लीकेज होता है तो उसे पता कर लेते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन से ये फ़ायदा होता है कि वाटर लॉस कम से कम होता है, और फिर वाटर लॉस से होने वाली प्रॉपर्टी डैमेज को भी बचाते हैं। इसके अलावा वो कस्टमर्स को उनके वाटर कंजम्पशन का रियल टाइम डेटा देते हैं, जिससे वो अपना कंजम्पशन ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी ट्रैफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी शहर में बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेटिकली अपने टाइमिंग को एडजस्ट करके शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सिटी में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सिटी ऑफिशियल्स को उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ड्राइवर्स को उसका अलर्ट मिल जाता है कि किसी रूट पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो उस रूट को अवॉइड करें, या उनको सजेस्टेड रूट मिल जाता है कि वो दूसरे रूट से जाएं ताकि उन्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो या रास्ते में कोई ब्लॉकेज ना मिले। इसमें हमें स्मार्ट पार्किंग सिस्टम भी मिलता है, जिसमें पार्किंग सिस्टम में आप अगर जा रहे हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए, तो आपको नियरेस्ट पार्किंग स्लॉट मिल जाता है कि आप वहाँ पर जाके गाड़ी पार्क कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन के कारण, ख़राब मौसम के कारण, या रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो गई हो, या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उससे रास्ता बंद हो जाता है। स्मार्ट सिटी में रियल टाइम डेटा जो है वो अथॉरिटीज़ को मिल जाता है, जिस डेटा का यूज़ करके वो सारे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसको ईजिली सॉल्व कर पाते हैं या उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अगर रास्ते में बर्फ़ गिर गया है तो उसको कैसे हटाना है, कितना टाइम लगेगा और कितना कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, या फ्लड के कारण अगर कोई रास्ता टूट गया है या कोई रास्ता ख़राब हो गया तो उसको कैसे बनाएंगे। स्मार्ट सिटी एनर्जी वेस्टेज को भी रिड्यूस करते हैं। रिसर्च में ऐसा पता चला है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं, जितना भी पावर यूज़ करते हैं, जितना भी एनर्जी यूज़ करते हैं, उसमें 30% वो वेस्ट करते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके इस वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है। एनर्जी मैनेजमेंट एप्लीकेशन हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जिससे उसे करेक्ट किया जा सकता है। अगर बिल्डिंग के किसी कोने में लोग नहीं हैं तो लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, डिम हो जाती है या बंद हो जाती है। इससे भी पावर का वेस्टेज नहीं होता है और कॉस्ट रिड्यूस होता है। स्मार्ट सिटी पब्लिक सेफ्टी को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। शहर में बहुत सारे CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। शहर में किसी तरह का भी इंसिडेंट होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई चोरी हो गई, वो कैमरे में कैद हो जाता है। लेकिन शहर में बहुत सारे कैमरे होते हैं तो उसमें सारे वीडियो को देख के एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाली जाती हैं और वो अथॉरिटीज़ के पास भेज दी जाती हैं, जिससे वो इमिडिएटली या जल्दी एक्ट कर पाते हैं। स्मार्ट सिटी वेस्ट मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए स्मार्ट बिन्स का यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है। सेंसर्स का यूज़ करके वो डस्टबिन के अंदर जो वेस्ट होते हैं उसको काफ़ी टाइटली पैक करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट उसमें जा सके।
क्लीनर्स को बिन खाली करने के लिए जल्दी जल्दी नहीं आना पड़ता है। इससे ट्रैफिक कंजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन और फिर कंजप्शन कम होता है। जब स्मार्ट बिन्स फुल हो जाती हैं तो क्लीनर्स के पास उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उनको नोटिफिकेशन चला जाता है कि वहाँ 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 पर बिन्स फुल हो गई हैं और वो आके उसको खाली कर जाते हैं। इसके लिए उन्हें डेली आके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ का बिन्स खाली है और कहाँ का फुल है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल AI टेक्निकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन दबाइए।